शुरू करते हैं हमारे आज के प्रोनाउंसिएशन से। ये जो शब्द हैं अक्सर इन्हें गलत प्रोनाउंस किया जाता है, तो हमारा आज का पहला शब्द है ASTHMA, जिसे के हम दमा बोल देते हैं, सांस की बीमारी। और आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में भी लोग इसे बोलते हैं एस्थमा। जी मेरे भाई ये गलत है, इसका उच्चारण एस्थमा नहीं होता, इसका सही उच्चारण है एस्मा। जी हां एस्मा। तो आज के बाद आपने एस्थमा नहीं कहना, क्या कहेंगे बोलकर बताएं, एस्मा एस्मा। ओह ही इज सफरिंग फ्रॉम एस्मा, ना के एस्थमा। द नेक्स्ट वन इज GENGUE। आमतौर पर लोग इसे बोल देते हैं डेंगू, जी उसे डेंगू हो गया, बीमारी होती है उसे डेंगू बीमारी हो गई, डेंगू हो गया। ओ मेरे भाई ये डेंगू नहीं होता इंग्लिश में, हम इसे कहते हैं डेंगी। क्या कहते हैं बोलकर बताएं, डेंगी डेंगी, ना के डेंगू। पंजाबी हिंदी में इट्स ओके, डेंगू कह सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश दिस इज डेंगी डेंगी। नेक्स्ट वन इज PINT, क्या कहेंगे इसे, आमतौर पर लोग बोल देते हैं पेंट। ओहो मेरे भाई ये पेंट नहीं है, ये आपको अक्सर ये शब्द दिखेगा, पर होता क्या है पॉइंट, इसका मतलब होता है लगभग हाफ लीटर, वैसे एक्चुअल में होता है 0.57 लीटर। तो लगभग आधे लीटर को हम पॉइंट बोल देते हैं। ये आपको बियर के साथ काफी लगा मिलेगा ये शब्द। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, हमने कहना हो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, कोई गया बियर बार में, उसने कहा आई वॉन्ट अ पॉइंट ऑफ बियर। आई वॉन्ट अ पॉइंट ऑफ बियर मीन्स मुझे बियर चाहिए एक पॉइंट की। सो नेवर से पेंट, क्या कहेंगे आज के बाद इसे, पॉइंट। The next one is BLASE. बताएं इसका सही उच्चारण क्या है? बहुत से लोग इसे बोल देते हैं blaze. ओ मेरे भाई ये है blase. जी हाँ blase. Blase का मतलब क्या होता है? अब हम समझने जा रहे हैं एक सिचुएशन से। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, वो अभी-अभी अमिताभ बच्चन से मिलकर आया है और मैंने उसकी स्नैप देखी अमिताभ बच्चन के साथ और मैंने उसे कहा वाह यार क्या बात है, अमिताभ बच्चन के साथ स्नैप है, क्या बात है। और उसने अगर ये कहना हो यार मुझे इन बॉलीवुड सेलेब्स का, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाने, इनसे मिलने की कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, मैंने तो लाइफ में इतनी बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकात की है, मुझे अब इससे कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। तो वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा Oh, I am blase about Bollywood celebs. अब सुन लीजिए, जब कोई इंसान किसी चीज के बारे blase हो, it means उसे अब उस चीज में कोई ज्यादा excitement नजर नहीं आती, वो ज्यादा excited नहीं होता उस चीज को लेकर, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में वो चीज पहले बहुत बार experience कर ली है या फिर उसे use कर ली है। तो हम एक सेंटेंस बना देते हैं, हम कहेंगे आई एम ब्लाजे अबाउट, आई एम ब्लाजे अबाउट। ओके चलो ये लिख लेते हैं, आई एम ब्लाजे अबाउट बॉलीवुड स्लैब्स, स्लैब्स का मतलब सेलिब्रिटीज। सो उसने कहा, मेरे दोस्त ने कहा आई एम ब्लाजे अबाउट बॉलीवुड स्लैब्स, इट मींस मुझे बॉलीवुड स्लैब्स के प्रति अब कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। सो ये जरूरी नहीं बॉलीवुड, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। एरोप्लेन्स के साथ हमने कहना दोस्त क्या बात है जहाज पर चढ़ रहा है, और उसने कहना यार मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैं तो जहाज पर जाता ही रहता हूं। ओह आई एम ब्लाजे अबाउट प्लेन्स, आई एम ब्लाजे अबाउट प्लेन्स। आप होटल्स के साथ यूज कर सकते हैं, मैंने कहना वाह यार फाइव स्टार होटल में तो गया था, और उसने कहना यार फाइव स्टार होटल्स में मुझे इतनी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, अब लाइफ में इतने बार गए आप तो ये साधारण सी चीज लगने लग गई है। तो वो कहेगा आई एम ब्लाजे अबाउट फाइव स्टार होटल्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो पहला क्या था,
एस्मा, नंबर टू डेंगी, नंबर थ्री पेंट नहीं पाइंट, एंड दिस वन इज ब्लासे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज सी आर ई सी एच ई। बहुत से लोग इसे बोल देते हैं क्रैच। जी, हमने बच्चे को क्रैच में छोड़ दिया है। अब देखते हैं, जिसे हम शिशु घर, बाल घर बोल देते हैं, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो जब काम पर जाते हैं तो अपने बच्चों को यहां छोड़कर चले जाते हैं, वहां उनकी देखभाल होती है। लेकिन इसे कहते क्या है? बहुत से लोग क्रैच बोल देते हैं, पर ये होता है क्रैश। जी हां, क्रैच नहीं होता। क्या है ये बोलकर बताएं? क्रैश, क्रैश ना के क्रैच। एक बार फिर बोलें, क्रैश। ओके, चलते हैं आगे। VEAR, इसके कई मीनिंग है। इसका मतलब सहन करना भी होता है, भालू भी होता है, पर ये बियर नहीं होता मेरे भाई, ये बियर नहीं है, ये है बैर। सो बहुत से लोग बोल देते हैं, मैंने ना वहां पर एक भालू देखा था, आई हैड सीन अ बियर देयर। सो बियर नहीं, क्या है ये? बैर। आई हैड सीन अ बैर देयर, ओ देयर इज अ बैर, ना के बियर। सहन करना भी होता है यार, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। ये मत कहना आई कांट बियर दिस पेन, यू शुड से आई कांट बेयर दिस पेन, और दिस इज अनबेरेबल, दिस इज अनबेरेबल, आई कांट बेयर इट। सो दिस वन इज एस्मा, डेंगी, पाइंट, ब्लाजे, क्रैश एंड बेयर। चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की तरफ। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर बोलते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ओ इट वाज अ स्वैंकी पार्टी। स्वैंकी का क्या मतलब है? अगर आपसे कोई कहे, ओ यार इट वाज अ स्वैंकी पार्टी, तो याद रखें, स्वैंकी का मतलब होता है शानो शौकत वाली पार्टी, ठाट बाट वाली पार्टी। अगर इंग्लिश में हम समझे, बहुत ही एक्सपेंसिव और स्टाइलिश पार्टी, जैसे ही अमीर लोगों की पार्टीज होती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्वैंकी पार्टी। स्वैंकी पार्टी मींस, नोट कर लीजिए, स्टाइलिश, बड़ी स्टाइलिश, फैशनेबल और एक्सपेंसिव, बहुत महंगी, वेरी एक्सपेंसिव पार्टी। अच्छा, ये जरूरी नहीं स्वैंकी वर्ड सिर्फ और सिर्फ पार्टी के साथ चलता है। आप इसे होटेल्स के साथ यूज कर सकते हैं, कार्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहना हो, यार सिंगापुर गए और वहां पर मैंने काफी स्वैंकी होटेल्स देखे। स्वैंकी मींस बड़े स्टाइलिश और बहुत महंगे। यार दुबई गए, वहां पर काफी स्वैंकी कार्स देखने को मिली। स्वैंकी कार्स मींस बहुत ही महंगी और स्टाइलिश। सो नेवर फॉरगेट, स्वैंकी मींस स्टाइलिश एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वन इज इट्स फॉगी वेदर। पार्की का पार्क या पार्किंग के साथ कोई संबंध नहीं। पार्की वेदर का मतलब ये नहीं, चलो पार्क में चलते हैं, पार्क जाने का कोई मौसम हो गया। जी नहीं मेरे भाई, पार्की वेदर बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पार्की का मतलब होता है वेरी कोल्ड, इतना कोल्ड के हम उसे अनप्लेजेंट कह सकते हैं, बहुत ही ठंडा मौसम, इतना ठंडा कि हम उसे कह सकते हैं यार खराब मौसम है ये तो। बहुत ठंडे मौसम को हम क्या कह सकते हैं? पाकी वेदर। अंग्रेज अक्सर बोलते हैं, ओ इट्स पाकी आउटसाइड, ओ पुट ऑन योर कोट बिफोर गोइंग आउट। पाकी मींस वेरी कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई विल बी बैक इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है बहुत जल्दी। अगर हमने कहना हो, यार फिक्र मत कर, मैं बस गया और आया, मैं अभी वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी, ओ आई विल बी बैक इन अ जिफी, तो याद कर ले, इन अ जिफी का मतलब होता है बहुत जल्दी। हम अक्सर बोल देते हैं, यार उसने तो बहुत जल्दी चाय बना दी, ओ शी मेड टी इन अ जिफी। इन अ जिफी मींस बहुत जल्दी। नेक्स्ट वन इज ही हैज गॉन लूनी। ओ लूनी का क्या मतलब है? लूनी का इंग्लिश में मतलब है मैड, क्रेजी। तो पहले लिख ले स्टूडेंट्स, लूनी मींस मैड, या फिर हम इसे क्रेजी कह देते हैं। सो लूनी मींस मैड या क्रेजी। इसे समझाने के लिए चलो हम एक एग्जाम्पल पर चलते हैं।
मान लीजिए मैंने कहना हो यार मेरा कोई दोस्त है वो क्या कर रहा है दिन रात चेहरे पर क्रीम ही क्रीम लगा रहा है और मैंने पूछा क्या कर रहा है भाई दिन रात क्रीम लगाता रहता है क्या बात है और वो कह रहा है यार एक हफ्ते में ना मैं बस मैं रणवीर कपूर से गोरा बनकर अच्छा बनकर सुंदर बनकर दिखाऊंगा। ओ यार इस क्रीम लगाने से क्या होगा ये सुंदरता ये गोरापन क्रीम लगाने से थोड़ी आएगा। और 2 दिन पहले कह रहा था यार मैं अभी 1 महीने में दुनिया का सबसे अमीर बंदा बनकर दिखाऊंगा। ओ अभी 20,000 की नौकरी पर काम कर रहा है अभी और मेहनत कर आगे जाना है 1 महीने में दुनिया का सबसे अमीर कैसे बन जाएगा मेरे भाई कैसे बन जाएगा। मैं तो तंग आ गया हूं इसके लूनी आइडियाज से। लूनी आइडियाज मतलब क्रेजी आइडियाज पागलपन वाले आइडियाज। तो हमने कहना हो वह बावला हो गया है पगला गया है तो हम उसे लूनी कहते हैं। He has gone loony means वह बावला हो गया है पगला गया है तो याद रखें। अच्छा एक चीज यहां पर और स्टूडेंट्स सोचेंगे गॉन गॉन का मतलब होता है जाना लेकिन गो का मतलब स्टूडेंट्स याद रखें बनना भी होता है। जी हां गो मींस बनना गो मींस बिकम। जब कोई इंसान नेगेटिव चीज बन जाए मतलब नेगेटिव सेंस में इसे यूज करते हैं हमने कहना वो मोटा हो गया है मोटा बन गया वो ही हैज बिकम फैट कहने की बजाय हम क्या कह देते हैं ही हैज गॉन फैट। अरे वो पागल हो गया है ही हैज गॉन मैड। सो बिकम के स्थान पर हम अक्सर गो का इस्तेमाल करते हैं बट नेगेटिव चीजों के लिए याद रखना स्टूडेंट्स। सो आई विल बी बैक इन अ जिफी मींस मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और ही हैज गॉन लूनी लूनी का मतलब लिख लीजिए पागल या बावला। नंबर 5 इज गुड रिडंस। गुड रिडंस हम तब यूज करते हैं स्टूडेंट्स जब हमने कहना हो ओ शुक्र है छुटकारा मिला। जब हमने कहना हो शुक्र है यार इस समस्या से इस आदमी से छुटकारा मिला तो हम सिंपली कह सकते हैं ओह गुड रिडंस। अब रिडंस कहां से बना एक्चुअली आपने जरूर रिड शब्द सुना होगा RID रिड और एक एक्सप्रेशन में भी काम आता है गेट रिड ऑफ जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। मैं इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता हूं मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मैन आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। रिड अब आपको समझ में आया रिड से ही शब्द बना है रिडंस। सो जब आपने कहना हो शुक्र है छुटकारा मिला किसी से भी किसी इंसान से किसी समस्या से तो बस स्पोकन इंग्लिश में आपने क्या करना है सिंपली ये कहना है हाउ गुड रिडंस। ओके नंबर 6 आई हैड सेड इट इन जेस्ट। अब इसका क्या मतलब है जी इसका मतलब है मैंने तो ये मजाक में कहा था हंसी में कहा था। जब हमने कहना यार दिल पर क्यों ले रहा है व्हाई आर यू टेकिंग माय वर्ड्स टू योर हार्ट डोंट फील एंग्री मैंने तो यार बस मजाक में कहा था हंसी में कहा था मैं तो मजाक कर रहा था मजाक में कहा था। तब आप कह सकते हैं आई हैड सेड इट इन जेस्ट। तो नोट कर ले इन जेस्ट मींस हंसी में मजाक में आई हैड सेड इट इन जेस्ट। पर जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बतला दूं कि ये प्रोग्राम ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर द्वारा खास तौर पर तैयार किया गया है। ब्रिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें हर एक इंग्लिश की न्यूज आइटम हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश की जाती है और डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स भी वहां बतलाए जाते हैं। और ये जो है ये एक डेमो वीडियो है। अगर आप फुल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप आज ही सब्सक्राइब करें आज ही डाउनलोड करें ब्रिल्स एक्सप्रेस की ऐप को पहले और फिर इस कोर्स को करें सब्सक्राइब।